खैर दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि 6 जुलाई को आपका बीएड इंट्रेंस एग्जाम था, बीएड इंट्रेंस एग्जाम को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। दोस्तों, बीएड इंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर आया था इस बार दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता होगा, जो भी दोस्त दिए होंगे, पिछले सालों की अपेक्षा पेपर थोड़ा आसान था। आसान का मतलब सुबह शिफ्ट का पेपर कुछ ज़्यादा ही आसान था, लेकिन शाम का पेपर बैलेंस था बिल्कुल, जिससे पूरा पेपर एक तरह से बैलेंस बन गया। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की मेरिट आपकी किया जाएगी, थोड़ी ज़्यादा जा सकती है पिछले सालों की अपेक्षा। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो कि आपको आंसर की को लेकर के है, सुबह से ही देख रहा हूँ कि आपके यूट्यूब पर एक आंसर की आई, यूपी बीएड आंसर की आ रही है। वही आंसर की फेक है दोस्तों, क्योंकि वह बिहार बीएड का आंसर की जो कि आज जारी हुआ है 7 तारीख को, उसको अपडेट करके दिया जा रहा है कि यूपी बीएड का आंसर की। तो उसको देख करके आप बिल्कुल भ्रमित न हो कि किसी प्रकार से आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आंसर किया गया। बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आपको भी मालूम है कि जब भी पेपर होता है, पेपर से लगभग 1 से 2 हफ्ते के बाद ही आंसर की आपकी आती है। तो ये मान के चलिएगा कि लगभग 15 दिन के बाद 15 से 20 आपके जुलाई के आसपास आपका आंसर की आएगा। फिर इसके बाद उसमें कुछ सुधार की आपकी गुंजाइश दी जाएगी। उसके बाद 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आना है, ये भी आपको पता है। इस सूचना को कि जो आपका YouTube पे चल रहा है कि यूपी बीएड का ऑफिशियल आंसर की, तो यूपी बीएड का कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आया दोस्तों। आंसर की के अपडेट को लेकर के है कि 15 से 20 दिन के बाद आपका, मतलब आप कह सकते हैं कि 20 जुलाई के आसपास आपका आंसर की आने की संभावना है। अभी 6 जुलाई को आपका पेपर कल का हुआ है, पेपर कैसा हुआ है दोस्तों आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि अब जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो उनमें से किसका आपका सरकारी विद्यालय में एडमिशन हो पाएगा, किसका प्राइवेट में होगा, या काउंसलिंग में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, काउंसलिंग कैसे आप घर पे रह के करवा जा सकते हैं, या कहीं आपको जाना पड़ेगा, और उसकी फीस क्या क्या होगी, कैसे कैसे क्या होगा, सारी वीडियो नेक्स्ट बताऊंगा दोस्तों। लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जय हिंद।